साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद कॉलेज में BA MS प्रथम वर्ष के छात्रों का दीक्षा पाठचर्या समारोह का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से किया शुभारंभ। चौरी चौरा में उपद्रव व पथराव करने वालों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। एडीएम वित्त ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर 2021 के दृष्टिगत जनपद में होने वाले जनगणना कार्यों पर की चर्चा। जिलाधिकारी ने जिला स्वास्थ्य समिति व संचारी रोग से संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बार एसोसिएशन के चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर ने दीवानी न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने जानकारी, कहा प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची नालियों व गलियों को दुरुस्त करने का किया जा रहा है कार्य। उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल के तहत कार्यों का किया बहिष्कार। सपा जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मिलकर चौरी चौरा में कार्यकर्ताओं पर हो रहे कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन, कहा निष्पक्ष जांच कर करे कार्रवाई। ऑपरेशन ईगल के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पोस्टल GCA के संयुक्त आह्वान पर पोस्टल कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। तहसील सदर गोरखपुर के गेट पार्किंग पर मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर वाम दल के कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन।